बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले दिनों के दौरान मुल्क भर के मौसम में अचानक से पैदा होने वाली बड़ी तब्दीलियों, शदीद मौसमी हालात, मगरबी हवाओं के कई लगातार ताकतवर सिलसिलों के बाइस मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक और तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों और बाज़ इलाकों में शदीद मौसमी हालात और ज़ालाबारी के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हों। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बराए मेहरबानी दरवर्ज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक 16 मार्च से बारिशों के ताकतवर सिलसिले पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू होंगे, जो 31 मार्च तक वक्फे के साथ कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब समेत सूबा पंजाब, कराची समेत सूबा सिंध और बलोचिस्तान समेत मुल्क के तूलो अर्ज में बारिशों का बायस बनते रहेंगे। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गरज चमक के तूफान तश्कील पाने, शदीद मौसमी हालात और मूसलाधार बारिशों से फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा, मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ज़ालाबारी और आसमानी बिजलियां गिरने के वाकयात भी रोनमा हो सकते हैं। जबकि खिता पुठवार, जनूबी बालाई और वस्ती पंजाब समेत सूबा पंजाब के ज़्यादातर इलाकों और कराची समेत सूबा सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी हवाएं और शदीद आंधियां चलने की तवक्को। इस दौरान मुल्क भर के दर्जा हरारत और गर्मी की शिदत में ज़बरदस्त कमी आएगी और मुल्क के तकरीबन 90% इलाकों में बारिशों का इम्कान है।